हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम सलाइयों से कान्हा जी की ड्रेस बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने ओसवाल की 3 प्लाई वूल ली है और 10 नंबर की सलाइयाँ ली हैं। चलिए देखते हैं हमें कैसे। देखिए फ्रेंड्स, इससे मैंने सिलाई पे 20 फंदे डाल लिए हैं। 20 फंदे डाले हैं मैंने, और मैं इस 20 फंदों को 4 सलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लूँगी, दोनों साइड से उल्टा उल्टा इस तरीके से। देखिए ऐसे अपनी तरफ डाल करके ऐसे वाले, तो मैं इधर से सीधी सलाई, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, चारों को उल्टा उल्टा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 सलाइयाँ उतार ली हैं दोनों तरफ से उल्टी उल्टी, तो ये हमारी 2 रो बन गई है ना। अब हम इनको देखिए डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास 20 फंदे हैं, तो जो पहला फंदा है हमारा, सबसे फर्स्ट वाला, इसको तो बिना बुने हमें उतारना है, सीधा ऐसे उतार दिया। आगे के 2 फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरीके से, पहले 2 फंदे उल्टे बनाएंगे दोनों तरफ से किनारी बनाने के लिए, और ये पूरा दोनों साइड से, ये 2 वाले फंदे हैं ना, दोनों साइड से उल्टे उल्टे ही बनाने हैं, ऐसे करेंगे। अब यहाँ आगे के हिस्से के लिए 1 फंदा बनाएंगे बस, क्योंकि देखिए 4 हो गए ना एक तरीके से, मतलब 3 तो हैं ही, 1 फंदा छोड़ेंगे बस, फिर धागा आगे करेंगे और ये जाली बनाएंगे। इस पर देखिए जाली बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे और यहाँ पे भी जाली बनाएंगे। ये 1 फंदे के दोनों साइड से जालियाँ हो गई, 1 फंदा तो हमारा बाजू का उत्तर बन गया ये जाली के साथ, 1 और बनाएंगे, ठीक है। फंदा आगे करेंगे और इस फंदे पर भी जाली बनाएंगे। ये पीछे की तरफ हो गया, बाजू की साइड, बाजू की तरफ पीछे के पर्दे में मतलब, तो ये एक जाली का ये बन गया ना। फिर फंदा आगे करेंगे और 1 जाली इस फंदे के साथ बनाएंगे। तो देखिए 1 फंदा हमारा पीछे की साइड से बुन गया, हमें पीछे 4 फंदे बनाने हैं, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 4 फंदे हमने पीछे के लिए लिए, धागा अपनी तरफ करेंगे और जाली बनाएंगे इस तरीके से, फिर धागा अपनी तरफ और जाली बनाएंगे। ये 2 जाली हो गई, 1 फंदा हमारे ये बाजू का बुन गया, 1 और बनाएंगे, धागा अपनी तरफ और इस फंदे पर जाली बनाएंगे अपनी तरफ और इस फंदे पर जाली बनाएंगे। तो ये आगे वाले पर्दे का 1 फंदा बन गया, 2 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे, 2 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे और लास्ट वाले फंदे को इस साइड से ऐसे बनाएंगे, और इस तरफ उल्टी तरफ जब आएंगे तो इसको ऐसे बनाएंगे। ये जो 2 फंदे थे हमारे, इनको अब उल्टी सिलाई तो हमें पूरी ही उल्टी बनानी है, इसमें कुछ नहीं करना। मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, हमने पहले 20 फंदे रखे हैं और इनको कैसे डिवाइड किया है। तो देखिए एक एक फंदा तो हमारा दोनों साइड का है, जिसको हमने हर सीधी तरफ से बुनना नहीं है, किनारी से बनती है, उससे अच्छी फिनिशिंग आती है, तो हमने वो रखा है, एक एक दोनों साइड से है ना, दो दो दोनों तरफ उल्टे रखे हैं। आगे के हिस्से में दोनों तरफ दो दो रखे हैं उल्टे उल्टे, तो इससे बॉर्डर बनेगा। आगे हमने रखे हैं एक एक, दोनों पर्दों में एक एक रखा है, पीछे हमने 4 फंदे रखे हैं, बाजू में हमने 2+2, 2-2 रखे हैं, और जो जाली के लिए हमने फंदे छोड़े हैं, जिस पर हमने जाली बनाई है जो बनेगी, उनके लिए हमारे 4 फंदे हैं। तो हमने ये टोटल इस तरीके से डिवाइड किए हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और 4, 10, 10 और 4, 14, 14 और 4, 18, 18 और 2, 20। तो टोटल हमारा इस तरीके से 20 फंदों को हमने डिवाइड किया है।
देखिए ऐसे, देखिए उल्टी सिलाई को हम पूरा उल्टा बनाएंगे। देखिए जाली वाला है, अभी आपको शायद फर्स्ट में ना समझ में आए, सेकंड रो आप देखेंगी तो आपको समझ में आएगा। जाली वाले को भी हमें बुनना है क्योंकि हमें तो फंदे बढ़ाने हैं। इस तरीके के स्वेटर हम छोटे बच्चों के बहुत बनाते हैं, ऊपर से डाल करके गले पे ऐसे डाल के इस तरीके से बोलते हैं उनको। और मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो में बना भी रखा है छोटे बच्चे का स्वेटर, उसमें जाली और तरीके से डाली है, आप चाहें तो उसे भी देख सकती हैं। देखिए उल्टी सिलाई हमें हमेशा उल्टी ही बनानी है, और ये लास्ट का जो फंदा है जिस साइड से भी आएगा उल्टा बनाएंगे, और जब इसको शुरू करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में इसको ऐसे लेंगे सीधी तरफ से, बिना उन्हें उतारेंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और इन दो फंदों को हमेशा उल्टा बनाना है। ये किनारी बनेगी, मतलब बटन पट्टी टाइप बनेगी, बटन तो हमें नहीं लगाने लेकिन इसी तरीके की बनेगी दो फंदे। अब देखिए हमने एक फंदा रखा था आगे की तरफ, अब हमारे ये दो फंदे हो गए, एक तो ये हमने पहले से रखा था, एक ये जाली का बढ़ गया, ये दो हो गए। अब ये हमारा देखिए, ये जो मैं बता रही थी हमने चार फंदे जाली के लिए रखे हैं ये वाले, इस पर हमें जाली डालनी है। तो देखिए ये वही फंदे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक देखिए ये रहा, और एक लास्ट में ये रहा, ये चार फंदे हैं। इसी के आसपास हमें जालियां बनानी है सीधी तरफ से, धागा अपनी तरफ करेंगे, इसी पे जाली बनाएंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जाली बनाएंगे दोनों साइड से। तो देखिए एक हमारा बाजू का ये जो बढ़ा हुआ है जाली से ये बन गया, और ये दो हमने छोड़े थे पहले से, तो ये दो बन गए, और दो ही हमारे बढ़े हैं पिछली बार की जाली से, दो बढ़े हैं तो चार हो गए। देखिए ये फिर से हम जाली बनाएंगे ऐसे। अब देखिए पीछे हमने पहले चार छोड़े थे, देखिए ये चार फंदे छोड़े हैं पीछे, और ये एक ये और एक ये दो जालियों से बढ़ गए, तो ये हमारे छह हो गए। अब दो बढ़ रहे हैं तो ये इस बार आठ हो जाएंगे। ये मैं हटा देती हूँ। देखिए ये हमने जाली के दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ा लिया, ये बाजू के पहले वाले दो हो गए ये वाले, और ये बढ़ा हुआ फंदा है तो ये चार हो गए। अब ये लास्ट के दो हो गए, इनको उल्टा बनाएंगे, और देखिए इस वाले को भी इस साइड से उल्टा बनाएंगे, और जब स्टार्ट करेंगे तो इसको ऐसे बिना बुने सीधा करके धागा ऐसे। अब उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी बनानी है, जब हम स्टार्ट करते हैं और फंदे को नहीं बनाते हैं, बुनते नहीं हैं, तो देखिए हमारी इस तरीके से, पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं आप, देखिए इस तरीके से जाली ये जो फिनिशिंग आ जाती है, ऐसी किनारी आती है तो ये अच्छी लगती है। फिर से हम सीधी तरफ आ गए, इस धागे को बिना बुने उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे बनाएंगे पहले, देखिए दो फंदे उल्टे, फिर बाकी सीधे बनाएंगे, दो और ये तीन, देखिए तीन हो गए हमारे, धागा अपनी तरफ, जाली डालेंगे दोनों साइड से। देखिए सारे सीधे सीधे बनाने हैं, बस हमें ध्यान रखना है जब जाली वाली फंदा आएगा तो उस पर दोनों तरफ जालियाँ बनानी है। देखिए जैसे ऐसे, ये जैसे अब आपको दिख रहा होगा ये जो एक फंदा है इसके दोनों साइड जाली बनानी होती है, तो एक इधर ये बन गई, एक इस साइड बन गई ऐसे, और सारे सीधे सीधे बनाएंगे।
धागा अपनी तरफ, यहाँ पे फिर से जाली बनाएंगे। बस ये जो फली है इसको ध्यान रखना है और इसके दोनों साइड जाली बना देनी है। अब देखिए ये दो उल्टे फंदे हमारे, दोनों को उल्टा बनाएंगे और लास्ट वाले को भी उल्टा बना लेंगे इस साइड से, जब उल्टी तरफ जाएंगे और यहाँ पे सिलाई हमारी शुरू हो रही है तो इसको ऐसे बिना बुनाई उतार लेंगे और सारे उल्टे उल्टे बना देंगे। उल्टी सिलाइयाँ हमेशा हमारी उल्टी बनेंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जितनी मुझे बनानी थी इतनी मैंने बना ली है। चार नंबर कान्हा जी के लिए मैंने 6 जालियाँ रखी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और देखिए ये 6। और आपको बड़ी बनानी है तो और 7 रख लीजिएगा, मतलब जाली अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अगर छोटे कान्हा जी की है तो कम जाली और बड़ी है तो यहाँ पर भी आप फंदे ज़्यादा रखेंगी और जाली भी ज़्यादा रख लीजिएगा। अब हम इसको आगे बनाते हैं तो पहला फंदा हम उतार लेंगे, आगे के दो फंदों को बुनेंगे। देखिए ये जो फली आ रही है हमारी इसको हम आगे रख लेंगे इस तरफ, है ना। तो ये आगे का हिस्सा हो गया। अब ये हमारा बाजू का है तो बाजू बनाएंगे यहाँ से। अब ये देखिए फिर से फली आ गई, इसको हम पीछे ही रहने देंगे, वर्क को इधर टर्न करेंगे और इस बाजू को ही यहाँ बनाएंगे। देखिए अगर आपको पहले तो हम इसी सिलाई को बना लेते हैं, उल्टी बना लेती हूँ पहले मैं। देखिए हमने दोनों साइड से ये वाली जो फली है, देखिए ऐसे दिखाती हूँ आपको, ये वाली फली ये पीछे वाले हिस्से में रहने दी और ये जो है ये वाली ये आगे के हिस्से में रहने दी। बीच बीच के हमने बाजू वाले फंदे ले लिए हैं और ये हमारे 2, 4, 6, 7, 8, 9, 14 फंदे हैं। अगर आपको इतनी ही बाजू रखनी है हाफ बाजू, तो अगर आपको हाफ रखनी है तो यहीं से आप 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना दीजिएगा, 2 सीधी 2 उल्टी सिलाइयाँ, तो इस तरीके से हमारी 2 लाइन बन जाएंगी। और अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बाजू बनानी है, मतलब फुल बाजू बनाना है, तो इसमें हम 4 सिलाइयाँ प्लेन प्लेन उतार लेंगे। तो मैं ये 4 सिलाइयाँ पहले प्लेन उतार लेती हूँ, 1 सीधी इधर से, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, ये 4 सिलाइयाँ उतारने के बाद दिखा। अब देखिए मैंने 4 सिलाइयाँ सीधी उतार ली हैं, 2 उल्टी 2 सीधी। अब ये 4 सिलाइयाँ मैं उल्टी उल्टी बनाऊंगी, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाऊंगी ताकि हमारा ये बॉर्डर बन जाए। ये मैं 4 सिलाइयाँ उल्टी बना करके दिखाती हूँ।
देखिए मैंने यहाँ पे चार सिलाई यहाँ पे उतारी प्लेन, दो सीधी दो उल्टी, और चार ही यहाँ पे उतारी हैं, चार मतलब उल्टी उल्टी दोनों साइड से उल्टी उल्टी। अब हम इनको घटा लेते हैं, तो ये तीन चार फंदे मैंने घटा दिए हैं। देखिए मैं कैसे घटाती हूँ, दो का एक ऐसे नहीं करती। देखिए सीधा ऐसे बुन लिया शुरू से, मैं किस दूसरी वाली बाजू में दिखा दूँगी। मैंने ये बना लिया थोड़ा सा, तो देखिए पीछे वाले फंदे को इस वाली सिलाई पे लिया पीछे वाले को, और इसको हमने यूँ उतार इसमें से ऐसे निकाल लिया, ऐसे ये आ गया। फिर से ये वाला फंदा बुना, और ये जो पीछे वाला फंदा है हमारा, देखिए इसको ऐसे इस सिलाई पे ले लेते हैं और इसमें से इसको निकाल देते हैं। इस तरीके से घटाती हूँ मैं फंदे, तो देखिए हमारी ये जो किनारी है ना इस तरीके की आती है, और दो का एक कर देते हैं तो इधर की तरफ एक चोटी सी बनती है, तो मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगती है। आप चाहें जैसे भी घटा लें, मैं ऐसे घटाती हूँ, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ शुरू से भी ऐसे ही होता है, पर मैं दूसरी बाजू में आपको दिखाऊंगी वो करके। देखिए ऐसे लिया और यहाँ से ये निकाल लिया, ऐसे हम घटा लेंगे। ये मैं घटा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए लास्ट में आ गए हमारे दो ही फंदे बचे हैं, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे ऐसे उतार लेंगे। अभी हमारा एक बचा, और इसमें तो सिंपल ये ही होता है, कैसे भी घटाएं। ये धागा लिया ऐसे निकाला और एक्स्ट्रा धागे को हम काट देंगे। तो देखिए मेरी जो चोली की इसकी मतलब बाजू बनी है वो इतनी बड़ी बनी है, देखिए इतनी बड़ी। अगर आपको थोड़ी लंबी चाहिए मतलब इतने बड़े कान्हा जी के लिए, मैंने इतनी बनाई है, चार सिलाई यहाँ उतारी हैं, चार ये उतारी हैं उल्टी उल्टी, और एक सिलाई से हमने ये घटाया है। आपको अगर ये छोटी लग रही हो तो यहाँ पे मतलब जैसे मैंने चार किए हैं आप छः कर लीजिएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए अब हम यहाँ से बुन करके आ रहे थे है ना, अब ये बाजू पूरी कंप्लीट कर दी, थोड़ा लंबा धागा रख करके हम काट देंगे ताकि हम इसी धागे से बाजू की सिलाई कर देंगे। अब देखिए हम आगे बनाएंगे, तो ये देखिए फल्ली हमने धागा नेक्स्ट नया जोड़ेंगे, नेक्स्ट नया जोड़ेंगे ऐसे, देखिए यहाँ तक आ गए हम। ये जो फली है हमारी जाली वाली, इसको तो पीछे वाले हिस्से में रख लेंगे, ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है, ये बाजू है। अब इसको फिर से बाजू को ही बनाएंगे केवल, तो देखिए पहले इसमें भी हमने ऐसे किया है, ये वाली फली इस साइड छोड़ देंगे, देखिए ये वाली हमने आगे के हिस्से के लिए छोड़ दी, और इसको इतने ही 14 फंदे हैं ये हमारे, तो इन्हीं 14 फंदों को हम देखिए, दो तो हमारी यही सिलाई हो जाती हैं, इधर से आए ये वाले गए, इसके बाद चार सिलाई उतारी है मैंने प्लेन, दो उल्टी दो सीधी। तो अगर आपको थोड़ी लंबी बाजू चाहिए होगी तो आप मतलब दो तो ये हो ही जाएंगे, एक उल्टी एक सीधी, अभी जो ले रहे हैं चार और हैं तो वहाँ पे आप छः कर लीजिएगा, तो आपकी टोटल 8 सिलाइयाँ हो जाएंगी, मेरी टोटल 6 सिलाई हुई हैं। अगर आपको लंबी चाहिए तो ये देखिए अलग कर ली हमने बाजू को, तो अब हम इनको चार सिलाई उतारेंगे। देखिए मैंने चार सिलाई उतार के आ गई, अब देखिए हम सीधी तरफ से, अब हम चार सिलाई इसमें उल्टी उल्टी उतारेंगे, सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी, तो हमारी ये दो रो बन जाएंगी, उल्टा उल्टा बनाना है हमें। ये मैं बना लेती हूँ ऐसे, हम आ गए बाजू हमारी ये हो गई, पहले हमने जो मतलब घटा रहे थे मतलब बाजू को अलग किया था, तो एक सिलाई सीधी बनी थी फिर उल्टी, फिर उसके बाद चार सिलाइयाँ और बनी, दो सीधी दो उल्टी, इसके बाद ये चार सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई हैं। इसके बाद हम घटाने पे आ गए, तो देखिए मैं ऐसे घटाती हूँ,
यहाँ से मैं स्टार्ट करके दिखाती हूँ। देखिए पहला फंदा है हमने ये बुन लिया, दूसरा फंदा ये भी बुन लिया। अब ये जो पीछे वाला फंदा है ये वाला, पीछे वाले फंदे को लेकर के आगे वाला फंदा इसमें से ऐसे निकाल लिया, फिर से ये फंदा बनाया और पीछे सिलाई डाल करके ऐसे ऐसे निकाल लिया। नेक्स्ट बुना, फिर से पीछे वाले फंदे को उठाया, देखिए पीछे वाले फंदे को उठाया, आगे वाले को ऐसे ऐसे घटाती हूँ मैं, ये मैं घटा लेती हूँ। फिर देखिए पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे उतार दिया, ये लास्ट फंदा बचा है हमारा, इसको तो बस ऐसे बड़ा किया, पूरा धागा एक साथ निकाल देंगे इसके अंदर से, थोड़ा सा बड़ा धागा कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी बाजू बन करके तैयार हो गई। अब हम देखिए ये जो हमारी आगे का हिस्सा है इसके लिए करेंगे, तो अब हम नया धागा लगाएंगे। और देखिए हमारी सलाई इधर से ही बुन के आ रहे थे ना, तो ये एक बार बने हुए हैं, इसमें कोई बुन नहीं। और ये जो हमारे दो उल्टे हैं उनको दो उल्टा ही रखेंगे, ये भी उल्टा ही बनाएंगे। लास्ट वाला इधर से लास्ट वाले को ऐसे सीधा लेंगे, धागा घुमाएंगे। अब ये जो उल्टी सिलाई है हम इसी धागे से पूरी उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो ये तीनों दोनों आगे के हिस्से और पीछे का हिस्सा एक हो जाएगा। इस तरीके से देखिए ये फर्स्ट वाला है आगे का हिस्सा, इसको टाइट कर लेंगे थोड़ा सा। अब देखिए सीधी तरफ आ गए। तो बाजुओं में तो इतना बनाने के बाद मतलब एक उल्टा एक सीधा बना लेते थे हम उसने छांटते वक्त ही, फिर बाजुओं में तो मैंने चार सिलाई उतारी है। अब ये जो पर्दे हैं इनमें मैं छह सिलाई उतारूंगी, तीन सीधी तीन उल्टी। कि एक सीधी इधर से, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी और फिर उल्टी, मतलब टोटल हमें छह सिलाइयाँ उतारूंगी। छह सिलाई उतारने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ
अगर छोटी लगेगी हमें तो हम दो सिलाई और उतार बना लेंगे, और ठीक लगेगी तो इतनी ही रखेंगे। 6 सिलाई उतार बना लेती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये इतना बन गया है। और देखिए मैंने जहाँ से हमने मतलब जैसे बाजू को घटाया था, मतलब अलग किया था, तब वो जो सीधी सिलाई उतारी थी, फिर उसके बाद इधर से उल्टी उतार ली, उसके बाद मैंने 6 सिलाइयाँ उतारी हैं, 3 सीधी 3 उल्टी। इतना बड़ा मैंने बनाया है। अब हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे, 2 सिलाइयाँ मतलब 2 लाइन बनानी है, वही 4 सिलाइयाँ मुझे उल्टा उल्टा बनाना है, दोनों तरफ से उल्टा। देखिए यहाँ पे मैंने 1 सिलाई तो उतार ली, मतलब सॉरी 2 सिलाइयाँ उतार ली, तो हमारी 1 किनारी बन गई। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 40 फंदे हैं ये, तो पहले ये दिन 3 फंदों को तो हम देखिए यहीं से हम क्या करेंगे कि हमें ना जाली बना देते हैं हम, ताकि इसमें डोरी डाल सकें। तो धागा अब क्योंकि हम अपनी तरफ उल्टा बुन रहे हैं ना, धागे को पीछे की तरफ करेंगे और 2 का 1 कर देंगे ऐसे। तो देखिए साथ में हमारी एक तो जाली बन गई और एक फंदा साथ ही घट गया। ऐसा हम हर 5 फंदे के बाद करेंगे। तो देखिए एक तो ये हो गया, 5 फंदे के बाद करेंगे। तो देखिए एक तो हमारा ये हो गया 7 वाला, 4 ये हो गए 5 हो गए ना। तो हमें फिर से एक जाली बनानी है, धागा पीछे करेंगे, दोनों साइड तरफ से जालियां पड़ जाती हैं, 2 फंदों को ऐसे बनाएंगे। देखिए हमारी जाली भी बन गई और हमारा साथ में फंदा घट भी गया, तो हमारी जाली से फंदे बढ़ेंगे नहीं। फिर से हम 4 फंदे बनाएंगे। फंदे बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदों को एक साथ। तो देखिए हमारा ऐसे जाली बनेगी। ऐसे मैं बना लेती हूँ और फिर उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे। ये बना के दिखा दें, उल्टी तरफ आ गए हम और उल्टी तरफ हमें पूरी सिलाई उल्टी उतारनी है। जो हमने जाली का फंदा बढ़ाया था उसको भी उल्टा बुनेंगे, बस पूरा सिंपल उल्टी सिलाई बुन देंगे। देखिए हमारी जालियाँ भी बन गई हैं, इस तरीके से बन गई। इसमें हम डोरी डाल लेंगे।